सबसे पहले सभी टाइगरों को जय हिंद। जितने भी बिहार के युवा वर्ग के महिला और पुरुष अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। और कल से आप लोगों के अंदर चुल मचा हुआ है, सर डायल 112 क्या है, डायल 112 की बहाली कब आएगी? तो बहाली बताने से और जो भी चीजें आपको जानना है, लाइफ ऑफ डायल 112 क्या ड्यूटी करवाएगा आपसे, क्या है उसकी जिंदगी, किस तरीके से काम करना होता है, बहुत लड़कों को तो ये नहीं पता है। आप पूछिएगा कि ERSS का फुल फॉर्म बताओ। डायल 112 के बाद आपने देखा होगा ERSS लिखा जाता है, ये किसी को नहीं पता है कि ERSS मतलब, बहुत को पता है और बहुत नहीं भी बता सकता है। तो सभी चीज के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लड़के बोलेंगे अरे गड़िया पे घूमने वाला पुलिस हुआ, वही ना, गाड़ी पे घूमने वाला पुलिस नहीं है, क्या काम है ये पहले समझिए, तब फॉर्म को भरिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसके पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं बड़े ही प्यार से, कि नजरों में आपके नजारे रहेंगे, पलकों पर चांद सितारे रहेंगे। नजरों में आपके नजारे रहेंगे, पलकों पे चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदल जाए सारी दुनिया, लेकिन हम तो बिहार पुलिस के दीवाने रहेंगे। साथियों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हरेक युवाओं में जोश होना जरूरी है। आप सभी जोशीले हो, और जोशीले नौजवान जल्दी भर्ती होते हैं, जोशीले नौजवान डरते नहीं हैं। तो आपको जोश के साथ उतरना होगा, क्योंकि अब बिहार में बहालियों की झड़ी शुरू हो गई है। तो अब आप समझेंगे डायल 112 के बारे में। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों, आज आपको मैं सभी चीज बताऊंगा, बहाली कब आएगी, द्वितीय चरण की बहाली है, बहाली कब होगी, और किस तरीके से डायल 112 काम करेगी, और कब इसकी शुरुआत हुई बिहार में। तो आप समझेंगे सबसे पहले साथियों, ये है डायल 112 ERSS, है ना। अब ERSS के बारे में जानिए, ERSS के बारे में जानिए, ठीक है। ERSS आपने देखा, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब आपको पता चल गया होगा सपोर्ट सिस्टम, आपको पता चल गया होगा कि ये इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने वाला है, यानी आपातकालीन समय में आपको इनको याद करना है, डायल 112 को। अब डायल 112 ये कह दिया कि हमको इमरजेंसी में बुलाओ, तो आप इमरजेंसी सेवा के लिए आप पुलिस बने हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है लोगों को कि इसकी शुरुआत बिहार में कब हुई। तो डायल 112 की जो शुरुआत की गई बिहार में, वो 6 जुलाई 2022 को की गई, यानी कि पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई है डायल 112 की। अब डायल 112 काम किस चीज के लिए करती है भाई, काम क्या है? तो क्या होता है कि बहुत सारे को ड्यूटी दिया जाता है गाड़ी में, यानी वो गाड़ी में रहेंगे और ऊपर से उनको कॉल आएगा, यानी कि जो इनके कॉल टेकर्स होते हैं, जो कॉल उठाते हैं, इनका एक ऑफिस बना होता है और उस वहां पे कॉल टेकर्स बैठते हैं, वो कॉल उठाएंगे और वहां पे सारी डिटेल्स आ जाती है स्क्रीन पे, वो आपको पूरा डिटेल, जो कहां से कॉल आया है, क्या काम है, किस तरीके की वहां पे घटना घटी है, पूरी जानकारी नीचे जो पर्सन बैठे रहते हैं उनको जाता है, और वो तुरंत 20 मिनट के अंदर, लगभग इंस्टेंट कहेंगे आप, 20 मिनट के अंदर इनको एक्शन लेना होता है, ठीक है, 20 मिनट के अंदर ये एक्शन लेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों, जो बिहार के लोग हैं, बिहार में पहले जो इमरजेंसी सेवा था वो अलग अलग, मतलब चीजों के लिए अलग अलग कॉल करना पड़ता था, जैसे कोई पुलिस से संबंधित है तो अलग, कोई आपदा हो गया यानी बाढ़ आ गया तो उसके लिए अलग नंबर था, कोई अगर मान लिया जाए एम्बुलेंस चाहिए उसके लिए अलग, फायर सर्विस के लिए अलग। अब क्या है कि डायल 112 में जो भी इमरजेंसी है, जैसे आपदा है, डिजास्टर है, कोई मान लो एम्बुलेंस की जरूरत है, मान लो किसी को फायर, आग लग गया है कहीं पे, तो उसके लिए अब क्या हो गया है कि एक ही नंबर है बिहार में, आप सभी अच्छे तरीके से समझ लें, एक ही नंबर है डायल 112, यानी आप अपने मोबाइल में अगर डायल करते हैं 112 तो पुलिस आपके पास 20 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करेगी, और यह बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन चल रहा है बिहार में, यह ऐसा काम किया जा रहा है, ऐसा रूल बना दिया गया है कि अब कोई भी लोग को दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि अब पूर्ण रूप से प्रशासन एक्टिव है और लोगों की समस्या सुनी जा रही है। अब साथियों, डायल 112 काम किस पे करती है, तो जो भी क्या है डोमेस्टिक
डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी घरेलू जो भी परेशानियां होती हैं आम लोगों के साथ, जैसे दिक्कत होती है लड़ाई झगड़ा मारपीट गोतिया गोतनी सास ससुर, जो भी दिक्कत है दहेज जो भी है, दहेज तहेज जो जितना चीज लन धन ओकरा जो भी परेशानी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है परिवार में, उसको कॉल कर दिया, उसको लड़का लड़की को फोन कर दिया, तो उसके लिए मारपीट हो जाता है। वो सारा चीज क्या है यहाँ पर, डोमेस्टिक प्रॉब्लम में हम उसको लेते हैं, यानी घरेलू परेशानियों में हम इसको लेते हैं। तो ये परेशानी आपके साथ होगी तो आप डायल 112 को कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपको अगर फायर की जरूरत, फायर आग लग गई है तो फायरमैन को, फायर में फायरमैन आएगा तो फायरमैन आएगा तो आप डायल 112 करेंगे तो वो भी परेशानी आपको दूर हो जाएगी। आग लगती है तो वहां आपको मदद किया जाएगा। कहीं मान लो कि रोड एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट में आपको एम्बुलेंस की जरूरत है तो एम्बुलेंस भी तुरंत डायल 112 पे कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस आ जाएगा, कितना बढ़िया है बताओ। बाइक से एक्सीडेंट हुआ, किसी का पैर टूट गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, इमरजेंसी कोई गाड़ी नहीं है, आप सुनसान जगह पे हैं, तो आपको डायल 112 ये ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा। अब जैसे डिजास्टर हो गया है, कहीं मान लो आपदा हो गई, बाढ़ वगैरह आ गया, तो उसमें आपको काम करेगा डायल 112। डायल 112 जो है मूल रूप से काम करेगी। अब बहुत सारे लड़के पूछेंगे सर बिहार पुलिस कांस्टेबल में यानी जिला बल में या बीएमपी में उसमें और डायल 112 में अच्छा कौन है? तो देखो, जिसको हथियार चलाना पसंद है, जिसको दुश्मनों का सामना करना पसंद है, या जिसको थाने में बैठना है, या जो मिलिट्री बीएमपी में जाना चाहता है, या जो मतलब बीआईएसएफ वगैरह में जिसका सिलेक्शन होता है, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या इंटरेस्ट है। जिसको जिला बल इंटरेस्ट है उसके लिए वो अच्छा है, जिसको डायल 112 में पसंद है गाड़ी में घूमना या ऑफिस में बैठना उसको वो अच्छा लगता है। दोनों नौकरी सेम है और एक मतलब बिहार गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत ही अच्छी नौकरी है। अब तो रेपुटेटेड काफी ज्यादा बिहार पुलिस हो गई है। पहले जब इंडियन आर्मी की बहाली होती थी और अग्निवीर नहीं था, मतलब 2010-09 का बात बता रहा हूं, उसमें मैं क्रेज हुआ करता था और पुलिस में उतना भर्ती होना नहीं चाहते थे लोग। लेकिन अब क्या है, लोग आर्मी छोड़ के बिहार पुलिस में आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे अग्निवीर को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। अब क्या है साथियों, ये पूरी चीज आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो चीज है बहाली के बारे में, बहाली कब आएगी, किस समय आएगी, मतलब क्या इसी महीने दे रही है, क्या दो दिन बाद आ रहा है, या उसमें समय लगेगा। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं वो निश्चिंत रहे कि अभी बहाली नहीं आने वाली है, अभी बहाली का कोई खोज खबर नहीं है, बस द्वितीय चरण का अनाउंसमेंट हो गया है। ये अगले साल ही आपको प्लानिंग करना है, अगले साल बहाली आएगी। इस साल अभी 1275 दरोगा और 21391 बिहार पुलिस की आप तैयारी में लगे। अब इसमें कितना सीट आएगा डायल 112 में, बहाली अगले साल आएगी, डायल 112 में 10,000 सिपाही, ठीक है, 2,000 इसमें क्या है कि 10,000 सिपाही आएगा, ठीक है, और उसके बाद लगभग 1,800 दरोगा रहेगा, 300 हवलदार की, 3,000 हवलदार की बहाली आएगी, वैकेंसी है, लगभग 250 इंस्पेक्टर रहेगा इसमें। पूरी तरीके से लगभग 19,000 पोस्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा 112 में, आप निश्चिंत रहे, 19,000 के लगभग पोस्ट मिलेगा और वो अगले साल जनवरी से या फरवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी कोई ऐसा मतलब अपडेट नहीं है कि आपकी किस डेट को लेगी, ये आयोग को भी नहीं पता है, क्योंकि जब तक इसका ये तैयार कुछ भी तैयार नहीं होगा तो कैसे लेगा, कैसे इसका एग्जाम हो सकता है। और ये अभी इतना आसान नहीं है जब तक पूरा प्रोसेस रेडी नहीं हो जाता है, और तो इसको अभी नहीं लिया जा सकता है। तो आप चीजों को समझें और अच्छे तरीके से, जो नौजवान भाई हैं जो 21,000 को नहीं भर पाए वो अब अगली बहाली पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। बिहार में काबा, बिहार में नौकरी के बहार बा, बिहार में नीति से सरकार बा। तो आप सभी भरोसा करें हमारे सरकार पे और मेहनत करें, और बिहार को आगे बढ़ाने में अन्य राज्य के पुलिस से हमको कुछ अलग करना होगा, और अपने बिहार राज्य के लिए, बिहार राज्य के वासियों के लिए कुछ अलग करके दिखाना होगा, और समाज में एक नया मैसेज को छोड़ना होगा जो हमारे युवाओं को प्रेरित करे, हमारे युवाओं को आगे लाने का काम करे। साथियों, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।